हेलो गाइस, वेलकम टू रीति डिफाइन। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे, जैसे क्वालिटी, लेयर हाइट, वॉल्स और इवन टॉप और बॉटम के सेटिंग्स। सो लेट्स बिगिन। अगर आप प्रिंट सेटिंग टूल बार को ओपन करेंगे तो पहले मेक श्योर कि कस्टम सेटिंग्स ऑन हो विथ एक्सपर्ट मोड ऑन। एडवांस मोड भी ओके है क्योंकि वैसे भी हम बहुत सारे सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट ही रखने वाले हैं, बट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑल द सेटिंग्स एक्सपर्ट मोड पर रख दीजिए। टॉप पे होता है प्रोफाइल, यहाँ आप आपकी कस्टम प्रोफाइल सेव करके रख सकते हो। ऊपर आपको डिफॉल्ट प्रोफाइल्स मिलेंगे और नीचे कस्टम प्रोफाइल्स। सो लेट्स मूव ऑन। पहला सेटिंग जो होता है वो होता है क्वालिटी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमें काफ़ी सेटिंग्स मिलेंगे। पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेयर हाइट। इस सेटिंग को आप प्रिंट रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो। इसी से हमारी फाइनल प्रिंट क्वालिटी डिसाइड होती है। जितना कम लेयर हाइट होगा उतना ही अच्छा फाइनल प्रिंट क्वालिटी आएगा। जैसे जैसे लेयर हाइट बढ़ती है वैसे ही प्रिंट क्वालिटी भी कम होने लगती है। तो हम सारे प्रिंट्स कम लेयर हाइट में क्यों नहीं देते? लेयर हाइट कम करने का ड्रॉबैक ये है कि इससे प्रिंट टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो इसे समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक ऑब्जेक्ट का प्रिंट हाइट है 1 मिलीमीटर और एक लेयर प्रिंट करने के लिए हमें 30 सेकंड्स का टाइम लगता है। अगर हम इसे 0.24 mm लेयर हाइट से स्लाइस करेंगे तो ये प्रिंट अप्रॉक्सीमेटली 4 लेयर्स में कम्प्लीट हो जाएगा, यानी 2 मिनट्स में कम्प्लीट होगा। बट वहीं पे अगर हम 0.1 mm लेयर हाइट से स्लाइस करेंगे तो यहाँ प्रिंट को कम्प्लीट होने के लिए 10 लेयर्स लगेंगी और टाइम 5 मिनट्स लगेगा। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि 1 mm प्रिंट करने में अगर 3 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है, इसी जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो कितना टाइम लगेगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेयर हाइट 0.28 mm रख ले ताकि प्रिंट जल्दी ख़त्म हो जाए। हमें प्रिंट क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे वी अंडरस्टैंड कि लेयर हाइट को एकदम ऑप्टिमल रखना चाहिए, जिससे प्रिंट क्वालिटी भी अच्छा आएगा एंड टाइम भी अप्रोप्रिएट लगेगा। नेक्स्ट सेटिंग है इनिशियल लेयर हाइट। इनिशियल लेयर हाइट प्रिंट की फर्स्ट लेयर होती है जो बेड पर स्टिक होती है। ये स्टैंडर्ड 0.2 mm पे सेट होती है। इसके बाद से हमारा सेट लेयर हाइट शुरू होता है। नेक्स्ट है लाइन विड्थ एंड टाइप्स। इसे हम चेंज नहीं करेंगे, इसे डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ देंगे। लाइन विड्थ मोस्टली हमारा नोजल साइज पे डिपेंड करता है। हमारा नोजल अभी 0.4 पर सेट है तो लाइन एक्सट्रूड होगी वो भी 0.4 की ही होगी। इसमें लास्ट ऑप्शन है इनिशियल लेयर लाइन विड्थ, जो परसेंटेज में होता है। ये डिफ़ॉल्ट 100% पे है, बट इसे बढ़ाने से बेड एडिशन अच्छा होता है। ये सेटिंग चेंज करने पर इनिशियल लेयर्स जो बनते हैं, जैसे ब्रिम, सपोर्ट्स के ब्रिम, ये भी अफेक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट है वॉल्स। इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स होते हैं। वी वुड रेकमेंड मोस्टली सबको डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और उनका ओवरव्यू देखेंगे। एंड कुछ सेटिंग्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे वॉल थिकनेस। ये बेसिकली आपके लाइन विड्थ पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 0.4 mm है तो 0.8 mm में 2 वॉल्स आएंगे, 1.2 mm में 3 वॉल्स आएंगे। तो वॉल थिकनेस एंड वॉल लाइन काउंट दोनों रिलेटेड है। वॉल से हमारा ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट है आउटर वॉल वाइप डिस्टेंस। जब एक लेयर कंप्लीट होता है तो उसके ऊपर नई लेयर शुरू होती है, तो वहाँ पर एक सीम पॉइंट क्रिएट होता है। इस ऑप्शन में हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो नोजल उतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है अबव सीम, ताकि वो पॉइंट वाइप ऑफ हो जाए, वहाँ कोई ब्लॉब नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एक्स्ट्रा वॉल्स। इससे हमारा वॉल काउंट +1 हो जाता है। इससे प्रिंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी बट प्रिंट वेट एंड टाइम भी बढ़ जाएगा। सो वी विल लीव इट एज इट इज़। नेक्स्ट है प्रिंट थिन वॉल्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई मॉडल है एंड सम क्रॉस सेक्शंस में वॉल इतना थिन है हो जाता है कि वहाँ प्रिंट ही नहीं हो सकता। सो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने पर हम वो वॉल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। ये उन सिचुएशंस में काफ़ी हैंडी है जब वॉल की थिकनेस हमारे लाइन विड्थ से कम हो। नेक्स्ट है सीम अलाइनमेंट। सीम वो पॉइंट होता है जहाँ से न्यू लेयर स्टार्ट होती है, तो उस पॉइंट पे एक ब्लॉब आ सकता है। तो उसी को फिक्स करने के लिए या उसी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अलाइन करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस है: शॉर्टेस्ट, रैंडम, शार्पेस्ट कॉर्नर एंड यूजर स्पेसिफाइड। और इसके नीचे ही ऑप्शन में आपको एक ड्रॉपडाउन देख सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट हाइडिंग सिलेक्टेड है। यहाँ पर ये दोनों के कॉम्बिनेशन यूज़ करके सीम को अलाइन कर सकते हैं। सो ये थे कुछ वॉल्स के सेटिंग। नेक्स्ट है टॉप और बॉटम सेटिंग्स। इसमें भी काफ़ी सारी सेटिंग्स होते हैं, हम बस इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे, बाकी आप डिफ़ॉल्ट ही रख सकते हो।
फर्स्ट है टॉप बॉटम थिकनेस, अभी हमारा लेयर हाइट है 0.2, तो 0.2 के मल्टीपल्स में ही होना चाहिए टॉप या बॉटम की थिकनेस। यहाँ पर जो वैल्यूज डालेंगे अकॉर्डिंग टू दैट नीचे के सेटिंग्स चेंज होंगे। यहाँ पर हम मैन्युअली भी वैल्यूज एंटर कर सकता है फॉर टॉप एंड बॉटम लेयर सेपरेटली। फिर आता है पैटर्न। पैटर्न में 3 टाइप्स है, लाइन, कॉन्सेंट्रिक्स एंड ज़िगज़ैग। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेट लाइन में प्रिंट होता है। सेकेंड है कॉन्सेंट्रिक्स, जहाँ लेयर सेंटर से बनना शुरू होते हैं इन कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स। एंड थर्ड है ज़िगज़ैग, जिसमें एक एंगल पे फिल होता है। फिर डायरेक्टली जाते हैं आयरनिंग पे। आयरनिंग एनेबल करने पर नोजल से ये टॉप सरफेस स्मूथ कर देता है। ये ऑप्शन अच्छा है जब आपको स्मूथ टॉप सरफेस चाहिए। इसमें इन बिटवीन टू लाइंस स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट करता है, जिससे टॉप की सरफेस एकदम स्मूथ आ जाती है, बट इससे प्रिंटिंग टाइम बढ़ जाता है। इसमें इतने ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थे जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सेटिंग समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगले वीडियो में हम लोग इनफिल, मटेरियल, कूलिंग और इवन बिल्ड प्लेट एडिशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।